हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च 2021। 5 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ER&D पॉलिसी लॉन्च की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। बात करें, हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC संस्थाओं को 2 करोड़ रुपये तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत की भी वहन करेगी। चलिए आपको कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बात करें, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री BS येदियुरप्पा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री वजुभाई वाला जी। कैपिटल बेंगलुरु। फर्स्ट CM के चेंगले रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर जया चामराजेंद्र वडियार जी। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में ही है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्री निवास ओका जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल PK मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें, फर्स्ट डिजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दे दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, इंडिया। बात करें, श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। श्रीलंका सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले इसी बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास को ठेका रद्द कर दिया था। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलंबो साउथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दे दी है। चलिए आपको श्रीलंका के बारे में बताते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने पोर्टुकोट्टे और दूसरी कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है गोधवया राजपक्षे जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है कालाबेवा रिजर्वेयर। नेशनल गेम है वॉलीबॉल। बर्ड है जंगल बॉल। फ्लावर है वाटर लिली। इंडिया श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य सभी रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, फिलीपींस। बात करें, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन विकसित और निर्मित किया गया है। चलिए आपको फिलीपींस के बारे में बताते हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, जहाँ की ADB का हेडक्वार्टर भी है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो करेंसी है फिलीपींस पेसो। बात करें इंडिपेंडेंस डे की तो 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है एपो। लार्जेस्ट लेक है लगुना डे बे। बात करें नेशनल गेम की तो एनिस। एनिमल है काराबाऊ। पर्ट है फिलीपींस ईगल। फ्लावर है जैस्मिन सैम्बक। पार्लियामेंट नेम है द कांग्रेस। चलिए आपको इमेज में सॉरी मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फिलीपींस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, फिजी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए मान्य रहेगा। समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MC मैरीकॉम। बात करें 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरीकॉम को AIBA के निदेशकों की बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया। यह स्टार मुक्केबाज कई मौके पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत रह चुकी हैं। आपको MC मैरीकॉम का पूरा नाम बता देते हैं, मांगटे चुंगाइंगजिंग मैरीकॉम। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है MC मैरीकॉम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इससे पहले आपको पासवर्ड सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। T20 इंडस्ट्री क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किरण पोलार्ड। बात करें किरण पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा हासिल किया। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज किरण पोलार्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ किस शहर में स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। बात करें आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी कि ARIES नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को एराइज देवस्थल फैंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा के रूप में डिजाइन और विकसित किया है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 3.6 mm देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सरकार ने किस बीमा लोकपाल नियम में संशोधन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017। बात करें भारत सरकार ने बीमा सेवाओं की कमियों के बारे में समयबद्ध, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा धारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम 2017 में व्यापक संशोधन अधिसूचित किया है। इससे समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इस संशोधन के बारे में बात करें तो यह लोकपाल तंत्र को बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया गया था, अब इसका नाम बदलकर बीमा लोकपाल परिषद कर दिया गया है। इससे पहले लोकपाल को शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक सीमित था, लेकिन अब बीमाकर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। बीमा दलाल को लोकपाल तंत्र के दायरे में भी लाया गया है। लोकपालों को बीमा दलालों के खिलाफ अधिनिर्णय भी देने का अधिकार दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च को। श्रवण हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। यह हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अंधत्व और बधिरता निवारण कार्यालय द्वारा आयोजित किया एक अभियान है। विश्व श्रवण दिवस 2021 का थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल। थीम नोट कर लें एक बार और, हियरिंग केयर फॉर ऑल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सुनील व राजी बात करें। वरिष्ठ राय नाइक मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वोरा वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। वे शीघ्र ही कार्यभार संभाल सकते हैं। वोरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत कर रहे हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है मनप्रीत वोरा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए आपको थर्ड डिजिट नोट कर लें आप, थर्ड डिजिट है 8। क्वेश्चन नंबर 11 बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च को। भारत में 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारी और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार प्रकट करना है, जो देश की जनता की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपना जीवन बलिदान करते हैं। 4 मार्च उस दिन को भी चिन्हित करता है जब भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय द्वारा 1966 में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। बात करें हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर तक है। अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट से यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है। चलिए आपको हरियाणा के बारे में आते हैं, बात करें हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, कैपिटल चंडीगढ़ फर्स्ट सी भगवत दयाल शर्मा जी, फर्स्ट गवर्नर धर्मा वीरा जी। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ई मैप में हरियाणा। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिविजन कराते हैं। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का 9वां स्थापना दिवस 1 मार्च 2021 को मनाया गया। बात करें बोइंग कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है। बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। बात करें पंजाब राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव सारंग नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बात करें द नेशनल ओरिजिन बेस्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स यानी कि नो बैन एक्ट यूएसए देश में फिर से शुरू किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नया नाम संसद टीवी दिया गया है। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान देश इस बार यूएई होगा। बात करें केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में $82 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। बात करें हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्यों के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली जी। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया द्वारा 21 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का पहला क्वेश्चन है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर टू है आज का, हाल ही में किस देश में टाइटन ऑफशोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया है। इसका ऑप्शन है यूएसए, यूएई, फ्रांस, अर्जेंटीना। चलिए चलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए, आप अपने चैनल पीके स्मार्ट से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 9 यानी कि 9। धन्यवाद।